Hello students, welcome to Electron Classes, one step ahead for learning where we help you to achieve your goals. Students, in this video we will discuss some previous year question related to the chapter biomolecules. Okay, so let's start. First question is, which sugar is called inward sugar and why is it called so? कौन सी ऐसी sugar है जिसको हम inward sugar बोल सकते हैं या कौन सी ऐसी sugars होती हैं जिनको हम inward sugar बोल सकते हैं और उनको ऐसा क्यों बोला जाता है? ठीक है, इनवर्ट, इनवर्ट का मतलब क्या होता है? उल्टा. ठीक है, इनवर्ट का मतलब आप समझते होंगे, इनवर्ट का मतलब क्या हो जाता है? उल्टा. ठीक है, अब इनवर्ट शुगर किस शुगर को बोलते हैं और ऐसा क्या रीजन है कि उसको हम इनवर्ट शुगर बोलते हैं? ठीक है, तो पहली बात हम इसको एग्जाम्पल ले लेते हैं. आपको एक एग्जाम्पल पढ़ाया गया है, C12H22O11+H2O = क्या बनता है यहाँ पर? C6H12O6+C6H12O6. ये रिएक्शन आपने कई बार पढ़ चुके हैं इस चैप्टर में, आई होप सभी को याद हो चुकी होगी. यहां पर क्या है, ये कंपाउंड क्या होता है? सुक्रोज. ठीक है, और यहां क्या बनता था? अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज बनता था ये. ठीक है, सुक्रोज किससे मिलकर बना होता है? अल्फा डी ग्लूकोज से और बीटा डी फ्रक्टोज से. तो हाइड्रोलिसिस के बाद ये क्या देगा? हाइड्रोलिसिस के बाद वही प्रोडक्ट तो देगा जिससे ये मिलकर बना होगा. तो इसने दिए अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज. अब जो सुक्रोज है ये एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी शुगर है. सुक्रोज क्या है? ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी शुगर है. डेक्स्ट्रो रोटेटरी मतलब जो राइट साइड में मूव करती है. प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को जो राइट साइड में मूव करती है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, जो लेफ्ट साइड में मूव करती है वो लीवो रोटेटरी कंपाउंड होते हैं. ठीक है, मतलब ये क्या हो गया? सुक्रोज क्या हो जाएगा? डेक्स्ट्रो कंपाउंड हो गया. इतना आपको समझ में आ गया. अल्फा डी ग्लूकोज, अब अल्फा डी ग्लूकोज का मतलब क्या है? इसको डी पॉजिटिव ग्लूकोज भी हम बोल सकते हैं और इसको क्या बोल सकते हैं? डी नेगेटिव ग्लूकोज फ्रक्टोज. ठीक है, अब ये फ्रक्टोज है, पहला कंपाउंड जो है वो ग्लूकोज है और दूसरा क्या हो जाएगा? फ्रक्टोज. ये आपको याद रखना है. ठीक है, पता होगा सभी को. अब ये जो कंपाउंड्स बने हैं ये बनते हैं लीवो रोटेटरी रोटेशन के बाद, मतलब ये जो कंपाउंड है वो लीवो होते हैं. अब देखिए कंपाउंड कौन सा लेकर चले थे आप? डेक्स्ट्रो. और चेंज किसमें हो गया? लीवो. लीवो का मतलब ये तो प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा था, ये किसमें करेंगे? लेफ्ट डायरेक्शन में. मतलब यहां पर क्या हुआ? लीवो रोटेटरी रोटेशन के थ्रू आपको कंपाउंड कौन से मिले? लीवो कंपाउंड्स मिले हैं. मतलब यहां पर क्या हो जाएगा? लीवो रोटेटरी रोटेशन बोल सकते हैं या बोल सकते हैं लीवो रोटेशन हुआ यहां पर. ठीक है, तो डेक्स्ट्रो से कंपाउंड चेंज हो गया लीवो में. इसका मतलब क्या हुआ? यहां पर इन्वर्जन हुआ है, इन्वर्जन ऑफ शुगर. शुगर का क्या हुआ है? इन्वर्जन. ठीक है, ये तो हमें प्रोसेस पता चलेगी कि ये प्रोसेस कौन सी है, इन्वर्जन ऑफ शुगर. ठीक है, और इन्वर्ट शुगर कौन सी हुई? जो ये कंपाउंड्स मिले आपको, प्रोडक्ट मिले हैं, ये क्या हुए? इन्वर्ट शुगर हुए, क्योंकि ये इन्वर्जन के बाद आपको मिले. क्लियर हुआ इतना आपको? क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं. व्हाट आर एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड? मैंने आपको बताया था ह्यूमन बॉडी के लिए ओवरऑल 20 अमीनो एसिड्स की रिक्वायरमेंट होती है, जिनमें से 10 अमीनो एसिड तो एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं और 10 होते हैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड. ठीक है, एसेंशियल अमीनो एसिड हो जाएंगे और ये नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड हो जाएंगे. अब जो एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं, इनमें क्या डिफरेंस होता है दोनों में? ठीक है, नॉन एसेंशियल का मतलब क्या हुआ? जो हमें रिक्वायरमेंट नहीं रहती है. ठीक है, रिक्वायरमेंट नहीं होगी तो ये हमारी बॉडी में बनने होंगे तभी हमें इनकी रिक्वायरमेंट नहीं है. मतलब नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स आर सिंथेसाइज्ड इन अवर बॉडी व्हाइल एसेंशियल अमीनो एसिड्स आर नॉट सिंथेसाइज्ड इन अवर बॉडी. ये हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते हैं तो ये हमें किसके थ्रू मिलते हैं? फूड सप्लीमेंट्स के थ्रू हम इनको कंज्यूम करते हैं. ठीक है, जैसे नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड और एसेंशियल अमीनो एसिड के एग्जांपल देख लेते हैं. नॉन एसेंशियल कौन से होते हैं? जो हमारी बॉडी में बनते रहते हैं. ठीक है, जैसे कि ग्लाइसिन, टोटल 20 पढ़ाए हुए आपको, एलानिन, ग्लूटामिक एसिड,
एक्सेट्रा, ठीक है, और भी हैं बहुत सारे, ये आप याद रखेंगे। और एसेंशियल अमीनो एसिड कौन से हो जाएंगे, वैलिन, ल्यूसीन, थ्रियोनिन, ये सभी, ठीक है, और भी हैं, आप ये दो तीन याद रखते हैं क्योंकि एक एक एग्जांपल ही आपसे पूछा जाएगा, मैंने आपको थ्री थ्री एग्जांपल नोट करा दिए। क्लियर हुए दोनों क्वेश्चन, सो प्लीज नोट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है, मल्टीपल टाइम्स एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। डिफाइन द टर्म रिलेटेड टू द प्रोटीन, ये कुछ टर्म्स आपको दी हुई हैं जो कि प्रोटीन से रिलेट करती हैं, इनको आपको डिफाइन करना है। फर्स्ट है पेप्टाइड लिंकेज, सेकंड है प्राइमरी स्ट्रक्चर, एंड लास्ट डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, ठीक है। तो फर्स्ट वी विल डिस्कस पेप्टाइड लिंकेज, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पेप्टाइड लिंकेज को, क्या होता है पेप्टाइड लिंकेज, ठीक है। जैसे आपने ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पढ़ा था, ठीक है, तो पेप्टाइड लिंकेज में क्या होगा, दो या दो से ज्यादा अमीनो एसिड्स आपस में क्या करेंगे, बॉन्डिंग करेंगे। तो अमीनो एसिड जब आपस में बॉन्डिंग करते हैं तो वो किस बॉन्ड के थ्रू करते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू, उसी को हम बोलते हैं क्या, पेप्टाइड लिंकेज। समझ आया आपको, ठीक है। व्हेन टू और मोर अमीनो एसिड्स आर कनेक्ट टूगेदर, they do it with the help of peptide bond or we can say that peptide linkage, okay। किसके थ्रू करते हैं, या तो वो peptide bond के थ्रू करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, peptide linkage भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये वो इतना आपको, अमीनो एसिड्स किस बॉन्ड के थ्रू जुड़ते हैं, पेप्टाइड लिंकेज के थ्रू, ठीक है। और पॉलीसेकेराइड या ओलिगोसेकेराइड किस बॉन्ड के थ्रू जुड़ते हैं, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू, दोनों में डिफरेंस है। लास्ट लेक्चर में आपको ग्लाइकोसिडिक लिंकेज भी पढ़ा चुका हूं मैं, ठीक है। तो पेप्टाइड लिंकेज का एग्जाम्पल देख लेते हैं, सपोज हम दो प्रोटीन ले रहे हैं यहाँ पर, सॉरी दो अमीनो एसिड ले रहे हैं, कौन से, ग्लाइसिन और एलानिन। ग्लाइसिन की स्ट्रक्चर होती है NH2CH2COOH, ये किसकी स्ट्रक्चर हुई, ग्लाइसिन, ठीक है, क्लियर हुआ। एलानिन की स्ट्रक्चर क्या हो जाती है, NH2CH, यहां जुड़ जाता है CH3, बाकी सब सेम रहता है, तो ये हो जाता है हमारा एलानिन। अब दोनों क्या करेंगे, यहां से वाटर मॉलिक्यूल का सेपरेशन होगा और ये आपस में बॉन्डिंग करेंगे, कैसे, ये यहां पर वाटर मॉलिक्यूल का सेपरेशन हुआ और यहां पर बॉन्डिंग कैसे करेंगे, देखिए NH2CH2C डबल बॉन्ड O यहां जुड़ जाएगा NH, ये क्या हो जाएगा, यहां से NH ये आ गया, ठीक है, CO के साथ जुड़ जाएगा NH और साथ में यहां आ जाएगा CH के साथ CH3 और COOH, ये हमारा क्या बन गया, ग्लाइसिल एलानिन, ये प्रोटीन है, क्या बोल सकते हैं, डाइपेप्टाइड, क्योंकि दो जुड़े हैं आपस में, ठीक है। ये जो बॉन्ड बना COOH, इसी को हम क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज, ठीक है। शॉर्ट में इसको क्या बोलेंगे, ग्लाई एला, क्योंकि ये किससे मिलकर बना है, ग्लाइसिन से और एलानिन से। समझ आया पेप्टाइड लिंकेज आपको। नेक्स्ट आ जाते हैं, सेकंड है प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर किसके बारे में हमें बताती है, प्रोटीन की वो स्ट्रक्चर जो हमें बताती है नंबर और सीक्वेंस के बारे में। प्रोटीन की वह स्ट्रक्चर जो हमें नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स और सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स के बारे में बताती है, उसी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। जैसे ये है, ये भी एक एग्जांपल है प्राइमरी स्ट्रक्चर का, ठीक है। अगर इसमें दो जुड़ जाए, दो जुड़ गए तो डाइपेप्टाइड हो जाएगा, तीन जुड़ेंगे ट्राइपेप्टाइड हो जाएगा, चार जुड़ेंगे टेट्रापेप्टाइड, इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर को हम प्राइमरी स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल समझ सकते हैं। थर्ड पॉइंट है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। डीनेचुरेशन का मतलब क्या होता है, डीनेचुरेशन मतलब नेचर का चेंज होना, किसके, प्रोटीन के। तो जब हम प्रोटीन को हीट करते हैं या उसकी पीएच चेंज करते हैं तो उसकी इस जो नेचर है वो चेंज हो जाती है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं एग,
एग होता है जो वो लिक्विड फॉर्म में होता है, उसके अंदर जो लिक्विड होता है जब आप उसे हीट अप करते हैं तो वो एग योग उसमें अलग हो जाती है और व्हाइट एग व्हाइट अलग हो जाती है। दो पार्ट होते हैं, एक तो व्हाइट होता है एक येलो होता है, येलो वाले को एग योग बोलते हैं और उसको एग व्हाइट, तो दोनों अलग अलग हो जाते हैं। तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ, प्रोटीन होता है एग में, तो नेचर क्या हुआ पूरी तरीके से चेंज हो गया। सेम ऐसे ही जो मिल्क होता है, मिल्क में क्या होता है लैक्टोज प्रेजेंट होता है, जब हम उसमें उसको कर्ड में कन्वर्ट करते हैं तो उसका लैक्टोज, वो लैक्टोज जो है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड में, ठीक है। तो मिल्क किसमें कन्वर्ट हो जाती है कर्ड में, ये भी क्या हुआ प्रोटीन का क्या हुआ नेचर चेंज हुआ। तो ये दोनों एग्जाम्पल किसके हुए, डी नेचरेशन ऑफ प्रोटीन के, मतलब प्रोटीन की नेचर में चेंज होना, चाहे वो हीट के थ्रू हो, एनर्जी के थ्रू हो, या पीएच को चेंज करने के थ्रू हो, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं डी नेचरेशन ऑफ प्रोटीन। तो तीनों टर्म आपको क्लियर हुई, पेप्टाइड लिंकेज, प्राइमरी स्ट्रक्चर और डी नेचरेशन ऑफ प्रोटीन, तीनों इंपॉर्टेंट है, आप इन्हें लर्न करेंगे। ओके नेक्स्ट चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच टाइप ऑफ बॉन्डिंग हेल्प्स इन स्टेबलाइजिंग द अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, कौन से टाइप की बॉन्डिंग होती है जो अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर होती है प्रोटीन की उसको स्टेबलाइज करती है, ठीक है। तो अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर में क्या होता है, इन अल्फा हेलिक्स पॉलीपेप्टाइड चेन, कौन सी चेन है पॉलीपेप्टाइड चेन कोइल्स अप इनटू, ये आपस में क्या करती है बॉन्डिंग करती है, कोइल अप होती है, कोइल्स अप इनटू राइट हैंडेड, राइट हैंडेड को ही हम क्या बोलते हैं अल्फा हेलिक्स, ठीक है। अब ये स्टेबलाइज किस फॉर्म में होती है, अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज कैसे करते हैं, इसमें क्या होता है कि कार्बोनिल ग्रुप, दो ग्रुप होते हैं प्रोटीन्स में, एक तो कार्बोनिल ग्रुप और दूसरा होता है अमीनो ग्रुप, ठीक है। इन दोनों के थ्रू ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू क्या होती है स्टेबलाइज होती है। दिस स्ट्रक्चर इज स्टेबलाइज बाय इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब वो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती किसके बीच में है, कार्बोनिल ग्रुप ऑफ वन अमीनो एसिड रेजिड्यू एंड अमीनो ग्रुप, अमीनो ग्रुप कौन सा हो जाएगा NH2, ठीक है, अमीनो ग्रुप ऑफ अदर अमीनो एसिड रेजिड्यू, ठीक है। इन दोनों के बीच में क्या होगी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, जिसके थ्रू अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर आपकी स्टेबलाइज फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है, क्लियर हुआ क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन ग्लोबुलर एंड फिब्रस प्रोटीन, क्वेश्चन एग्जाम में मल्टीपल टाइम्स पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों के बीच में आपको डिफरेंस फाइंड आउट करना है ग्लोबुलर प्रोटीन और फिब्रस प्रोटीन, ठीक है। तो नंबर वन पॉइंट हम जो नोट करेंगे, ग्लोबुलर प्रोटीन क्या होता है, इट हैव ग्लोबल, ये बोल सकते हैं ग्लोबुलर और कैसी स्ट्रक्चर होती है इसकी, ग्लोबुलर और स्फेरिकल शेप, कैसी होती है ग्लोबुलर एंड स्फेरिकल शेप, ग्लोबुलर शेप होने के कारण ही इसको हम क्या बोलते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन बोलते हैं। फिब्रस प्रोटीन में क्या हो जाता है, फिब्रस का मतलब है फाइबर लाइक प्रोटीन, ठीक है, इट हैव फाइबर और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, कैसी स्ट्रक्चर होती है इसकी धागे के जैसी, ठीक है, या फाइबर के जैसी, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं फाइब्रस प्रोटीन, क्लियर हुआ। नंबर टू पॉइंट जो हम यहाँ पर नोट करने वाले हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन क्या होता है, वाटर में या एल्कली में सोल्यूबल होता है, क्या होता है वाटर में, इट इज सोल्यूबल इन वाटर, मिनरल एसिड्स, मिनरल एसिड्स एंड एल्कलीज, जबकि ये क्या होता है इनसोल्युबल, इनसोल्युबल इन वाटर। नंबर थर्ड पॉइंट, ये क्या होता है, क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है स्फेरिकल शेप में होता है, तो ये क्या होता है फंक्शनल प्रोटीन होता है, इट इज
फंक्शनल प्रोटीन लाइक एग्जाम्पल क्या देख सकते हैं इसका, एल्बुमिन, हीमोग्लोबिन, कैसी स्ट्रक्चर होगी इसकी, इट इज ए फंक्शनल प्रोटीन, ठीक है। एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं इसका, लाइक एल्बुमिन, हीमोग्लोबिन, ये सभी इसके एग्जाम्पल होंगे, ठीक है। इंसुलिन भी इसी का एग्जाम्पल होगा, जबकि ये क्या हो जाएगा, इट इज स्ट्रक्चरल प्रोटीन, वो क्या है, फंक्शनल प्रोटीन है। और ये सब क्या है, फिब्रस प्रोटीन क्या होते हैं, स्ट्रक्चरल प्रोटीन होते हैं, जैसे कि हमारे हेयर में या नेल्स में प्रेजेंट होता है केराटिन, मायोसिन, ये सभी इसके एग्जाम्पल होंगे, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिनके बेसिस पर आप डिफरेंस फाइंड आउट कर सकते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन और फिब्रस प्रोटीन के अंदर, ठीक है। क्लियर हुआ क्वेश्चन? तो स्टूडेंट्स, हमने आज डिस्कस किए 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। आप इन क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, ओके। सो दैट्स इट फॉर टुडे, होप यू एंजॉयड द वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।